हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी इन हिंदी चैनल में आपका अपना स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुदक्षिणा के रूप में आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करने पर आपको मेरे द्वारा जारी किए गए न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको चैप्टर फर्स्ट के बारे में कुछ चीजें बताया, आज मैं आपको चैप्टर सेकेंड के बारे में बताने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी का चैप्टर सेकेंड। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर फर्स्ट में पहले ही बता दिया था, एक टर्म बायो डायवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड। जितने भी अर्थ पर स्पीसीज पाए जाते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबको मिलाकर उसे कहते हैं कंप्लीटली बायोडाइवर्सिटी। उनकी टोटल संख्या होती है 1.72 जिसकी टोटल संख्या 1.72 1.8 मिलियन है। टोटल इतने मिलियन स्पीसीज आपके अर्थ पे पाए जाते हैं। आपको चूंकि बायोलॉजी में सारी चीजें पढ़नी है, जितने भी एनिमल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि 1.72 1.8 मिलियन स्पीसीज को एक साथ पढ़ा जा सके? पॉसिबल नहीं है। तो 1.72 1.8 मिलियन को पढ़ने के लिए उन सारे एनिमल्स को, उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, सारे ऑर्गेनिजम्स को जो पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, उन्हें पढ़ने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको सम ग्रुप्स में, कुछ ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड किया जाता है, जिसे जिससे हम एक ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं तो उस ग्रुप में रखे हुए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें पता चल जाता है। जैसे माना आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स में 75 मैथ पढ़ने वाले हैं और 25 बायो पढ़ने वाले हैं। तो 100 स्टूडेंट को अगर एक साथ रखा जाए तो आप पता नहीं चल पाएगा कि कितने मैथ हैं कितने बायो वाले हैं, या आप किसी मैथ वाले को ढूंढ नहीं पाओगे जब तक बिना उससे पूछे। तो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि इन्हें, क्योंकि दो सब्जेक्ट मेन मैथ और बायो वाले हैं, तो इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, दो क्लासेस में। एक क्लास रख देते हैं मैथ का, दूसरा क्लास रख देते हैं बायो का। जितने भी मैथ वाले स्टूडेंट है 75, उन्हें 75 मैथ वालों को मैथ वाले क्लास में रख देते हैं। बायो की संख्या 25 स्टूडेंट्स हैं तो इन्हें बायो क्लास में रख देते हैं। 75 स्टूडेंट मैथ वाले क्लास में पहुंच गए। अब आप मैथ वाले क्लास में जब जाएंगे तो आपको ये पता रहेगा कि फर्स्ट बेंच पर बैठा हुआ पर्सन, जो भी स्टूडेंट है, वो मैथ वाला है, और लास्ट बेंच पर भी बैठा हुआ जो स्टूडेंट है वो मैथ वाला है। बायो उसी तरीके से आप बायो के क्लास में जाएंगे और पहले सीट पर आपको जो स्टूडेंट मिलेगा आपको पता रहेगा कि ये बायो पढ़ने वाला है, लास्ट बेंच पर जो बैठा रहेगा वो उसको भी पता रहेगा, आपको ये पता रहेगा कि लास्ट बेंच पर जो बैठा हुआ है स्टूडेंट वो भी बायो वाला है। तो इसी तरीके से हम 1.72 1.8 मिलियन स्पीसीज को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिससे हम एक ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं तो उस ग्रुप में रखे हुए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हम उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं। तो अब इसके थोड़ी से हिस्ट्री के बारे में चलते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को सबसे पहले किसने दिया था और उन्होंने किस तरीके से अरेंज किया था। तो आइए हम बताते हैं आपको कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो सिस्टम था वो दिया था, वो था अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाई अरिस्टोटल, जिन्हें हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्लासिफिकेशन को दिया था और इनका क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल था। इन्होंने सिंपली प्लांट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज।
इनका बेसिक कॉन्सेप्ट था मॉर्फोलॉजी। बाहर के कैरेक्टरिस्टिक को हम देख के ऑब्जर्व करके उन्हें तीन ग्रुप में डिवाइड कर देते थे। हर्ब्स में वो पौधे आते थे जो बहुत हल्के छोटे पौधे होते थे, जैसे तुलसी का पौधा, और बहुत जो छोटे पौधे होते थे उन्हें हर्ब्स में रख देते थे। सब्स में वो आते थे जो झाड़ी वाले पौधे होते थे, वो पौधे जो झाड़ी बना के रहते थे उन्हें सब्स में रख देते थे। ट्रीज में वो पौधे आते थे जो बड़े पौधे होते थे। तो इस तरीके से प्लांट को इन्होंने तीन क्लास में डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। फिर इन्होंने एनिमल को तो दो पार्ट में डिवाइड किया, दो क्लास में, एक वो दो क्लास में डिवाइड किया, एक वो जिनके पास आरबीसीज हो और जिनके पास आरबीसीज ना हो। दो क्लास में इन्होंने डिवाइड किया, एक वो जिसमें आरबीसी हो और एक वो जिसमें आरबीसी ना हो। दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब आरबीसी जिसमें होता है वो सारे एनिमल्स जिनमें आरबीसी होते हैं उनको आरबीसी वाले ग्रुप में रख दिया गया। जिनमें आरबीसी नहीं होता, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारी चीजें जिनमें आरबीसी नहीं होते हैं उन्हें इस वाले ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था। अगर आप इनके कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएं तो आप एनिमल्स में बहुत सारे अंतर होता है एक दूसरे से, वो अंतर इन्होंने डिफाइन नहीं कर पाया। जो डिफ्रेंसिएशन था वो उन्होंने डिफाइन नहीं कर पाया। प्लांट्स में बहुत सारे डिफरेंसेज होते हैं एक दूसरे से और वो इन्होंने डिस्क्राइब नहीं कर पाया। उसके बाद नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस का नाम बहुत बार आता है। फर्स्ट चैप्टर में भी आपका आया था, सेकंड चैप्टर में भी आया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के बेसिस से आपके हर साल करीब एक क्वेश्चन आपके कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट के नाम से आता है। कैरोलस लिनियस के बहुत सारे नाम आपको आगे के जैसे चैप्टर आपको बताता जाऊंगा उसमें आएगा, तो हम आपको बताते रहेंगे। कैरोलस लिनियस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इनका भी कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था। इन्होंने सिंपली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक दिया प्लांट किंगडम और दूसरा दिया इन्होंने एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में इन्होंने जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं वो सारे प्लांट्स को इन्होंने रख दिया, और एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल पाए जाते हैं उन सारे एनिमल्स को इन्होंने रख दिया। इनका भी कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था। अब एनिमल किंगडम में आप अगर अमीबा को रख देते हो, पैरामीशियम को रख देते हो, यूग्लिना को रख देते हो, तो क्या हमारा शरीर एक यूग्लिना के शरीर से कुछ समानताएं मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। तो इस प्रकार से ये भी क्लासिफिकेशन गलत था। फिर आता है आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई R.H. विटेकर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, बार बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विटेकर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, R.H. विटेकर नाम बार बार आता है कंपटीशन में कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, तो आप हमेशा टिक लगाएंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विटेकर। उन्होंने फाइव किंगडम दिया, मोनेरा सबसे पहला किंगडम था, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी एंड लास्ट एनिमेलिया। टोटल फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम R.H. विटेकर ने दिया, जिसमें पांच किंगडम क्लासिफिकेशन था। पांच किंगडम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसको यदि आप इसी सीरीज में याद करते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एग्जैक्ट इस तरीके से आपको बताएंगे कि आपको इस सीरीज में याद करने का एक भी बेनिफिट रहेगा कि आपको उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक याद हो जाएंगे। R.H. विटेकर ने किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनके मॉर्फोलॉजी बेस पर कम ध्यान देकर उनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को, इंटरनल एनाटॉमी और सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्लासिफाई किया था। अब जिसमें जो समानताएं मिलती थी उनको उस ग्रुप में रख देते थे।
जैसे सबसे बेसिक यूनिट, जो सबसे बेसिक यूनिट लाइफ का है वो है सेल, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक कोष सेल से मिलकर बने होते हैं, एक सेल का बना होता है उन्हें यूनिसेल्यूलर कहते हैं, जो मोर देन टू सेल से बने होते हैं उन्हें कहते हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्लासिफाई किया था। और सेल का अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है कि सेल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तो मेरा इससे पहले का वीडियो आपको मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस पर देखिए जो मैं अपलोड किया हूँ, और उसमें आपको सेल के बारे में सारा चीज पता चल जाएगा। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इन्होंने क्लासिफाई किया था 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को इन 5 किंगडम्स में। सबसे पहले उन्होंने सबसे बेसिक यूनिट जो मैंने आपको बताया सेल लिया। तो आपको बता दूं कि सेल दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। इसके इसके बारे में डिटेल जानकारी है आपको मेरे जो पहले से वीडियो मैंने डाला है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। तो जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसे मोनेरा किंगडम में भेज देते हैं, उसे भेज देते हैं मोनेरा किंगडम में। अब देखिए 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज में, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज में, अब जितने भी स्पीसीज आते हैं, जितनी भी जातियां जीवों की आती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है उन्हें हम मोनेरा किंगडम में भेज देते हैं। सबसे सिंपल हो गया। अब कोई भी आप, अगर आपको एक स्लाइड दे दिया जाए, आपको माइक्रोस्कोप के उसके माइक्रोस्कोप के थ्रू आपको ऑब्जर्व करके बताना है कि इसको किस किंगडम में रखा जाए, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि वह कौन सा सेल है। अगर वह प्रोकैरियोटिक सेल है तो आप सीधे उसे भेज देंगे मोनेरा में। यदि यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल में फिर आपको देखना पड़ता है कि वो यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर। अगला जो इन्होंने लिया था आरएच बैटी करने मोड, जिससे क्लासिफिकेशन क्लासिफाई किया जाए ऑर्गेनिजम्स को, वो था कॉम्प्लेक्सिटी इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज में जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल वाले थे उसे किंगडम मोनेरा में भेज दिया गया। बाकी जितने भी हैं प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक सब क्या है यूकैरियोटिक, सब है यूकैरियोटिक। अब चूंकि सारे तो यूकैरियोटिक है तो फिर बात मन में आती है कि सबको एक ही ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया, क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ डिफरेंसेज है। जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं। अब मोनेरा वाले ऑर्गेनिजम्स को निकालने के बाद वो ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमलिया में रखे जाते हैं। किस बेसिस पे? यूकैरियोटिक होने चाहिए, और जो यूनिसेलुलर होते हैं उन्हें हम किंगडम प्रोटिस्टा में रख देते हैं, उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया जाता है। जो यूकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, उन्हें हम रख दिए प्रोटिस्टा में। अब बचे क्या? यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर, बचे क्या? मल्टीसेलुलर। तो बाकी फंजाई से लेकर प्लांटी तक सब क्या है? मल्टीसेलुलर है, मल्टी सेलुलर। अब फिर वही बात समझने नहीं आती कि जब सब मल्टी सेलुलर है तो सबको एक ही ग्रुप में रख दिया जाता, लेकिन नहीं, अभी भी बहुत सारे डिफरेंसेस। जैसे फंजाई, जैसे आप मशरूम खाते हो, मशरूम भी फंजाई में आता है, तो क्या वो प्लांट से सिमिलरिटी रखता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो एनिमल से सिमिलरिटी रखता है? बिल्कुल नहीं। तो इसको अलग ग्रुप में रखा जाता है। किस बेसिस पे? अब वो आपको बताते हैं। अब सारे जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, और जो ऑटोट्रॉफिक हो, जो ऑटोट्रॉफिक हो, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकें, ऑटोट्रॉफिक हो, उन्हें रख देते हैं किंगडम प्लांटी में, उन्हें रख देते हैं किंगडम प्लांटी में। अब वही चीज, फिर उसके बाद बचा क्या? जितने भी जीव ऑर्गेनिज्म बचेंगे वो होंगे यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटरोट्रॉफिक। अब हेटरोट्रॉफिक फंजाई भी होता है और एनिमलिया भी होता है। अब लेकिन फंजाई अपने फूड को एब्जॉर्ब करता है, ना कि उसे खाता है, उसे पचाता, मतलब डाइजेस्ट नहीं करता। और ये डाइजेस्ट करता है लेकिन उसे चबाता नहीं है, तो ये सीधे अब्सॉर्ब करता है।
तो जो एब्जॉर्प्शन करने वाले होते हैं उन्हें रख देते हैं हम किंगडम फंजाई में, और जो इंजेसन जो फूड को इनटेक करते हैं बकल कैविटी में, उससे पूरी तरीके से चबाते हैं, च्यू करते हैं, और फिर उसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू डाइजेस्ट करके जो मिनरल्स हैं उन्हें अब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें रख देते हैं हम एनिमलिया में। देखिए कितना सिंपल सा था। इन सारे बेसिस पे सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी इन मूड, कॉम्प्लेक्सिटी इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर टोटल 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। अब इसको और अच्छी तरीके से अगर यदि आपको समझना है तो मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फाइव किंगडम को हम पहले लिख सकते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। फिर से मैं कहूंगा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आरएच विट्टेकर, इसको मत भूलिएगा, आरएच विट्टेकर। अब हम फिर से बात करेंगे 1.7 टू 1. टोटल टोटल स्पीसीज है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। अब इनमें से वो ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाएगा, जिन्हें जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाएगा उसे हम भेज देंगे किंगडम मोनेरा में, बाकी बचे सब क्या है, यूकैरियोटिक है, सब यूकैरियोटिक। ये भी यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी में भी सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल वाले हैं, एनिमलिया में भी सारे जीव सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक वाले हैं। अब मोनेरा तो सबसे अलग हो गया, एकदम अलग हो गया, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज में से जितने भी स्पीसीज प्रोकैरियोटिक सेल वाले होंगे उसको तो सीधे मोनेरा में भेज देंगे। अब मोनेरा के बारे में हमको ज्यादा कुछ अभी नहीं जानना है। उसके बाद अब हम समझते हैं कि जब प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक है, फंजाई भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी भी यूकैरियोटिक है, एनिमलिया भी यूकैरियोटिक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है कि इन्हें अलग अलग सेपरेट ग्रुप में रखा गया है। तो डिफरेंस आपको बता दें, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर। अब जितने भी 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज में जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, जो यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर होंगे, जो यूकैरियोटिक भी होंगे और यूनिसेल्युलर होंगे, उन्हें हम रख देते हैं प्रोटिस्टा में। बाकी बचे फंजाई भी क्या है, मल्टी सेलुलर, प्लांटी क्या है, मल्टी सेलुलर, एनिमलिया भी क्या है, मल्टी सेलुलर, सब मल्टी सेलुलर है। अब ये भी अलग हो गया, 1.7 टू 1.8 मिलियन में से जितने भी स्पीसीज जिनमें यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होगा उसे हम प्रोटिस्टा में भेज देंगे। अब बचे क्या, सब मल्टी सेलुलर वाले। तो अब तीन में देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। अब वो ऑर्गेनिज्म 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज से वो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे एंड ऑटोट्रॉफिक होंगे, उन्हें हम भेज देते हैं किंगडम प्लांटी में। अब क्या बचे, अब बचे फंजाई और एनिमिलिया। फंजाई होता है हेटरोट्रॉफिक और एनिमिलिया भी होता है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बना नहीं सकते हैं, वो अपने भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब फंजाई और एनिमिलिया में क्या डिफरेंस होता है, अब आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज में वो सारे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक हो, मल्टीसेलुलर हो, ऑटोट्रॉफिक हो, उन्हें हम भेज देंगे प्लांटी में। अब फंजाई में सारे हेटरोट्रॉफिक हैं, लेकिन ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, मोड ऑफ फूड इनटेक में देखा जाए तो ये अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली। जैसे हम एक किसी कागज को एक पानी में अगर हम रखते हैं तो पानी क्या कर कागज क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी तरीके से फंजाई एब्जॉर्ब करते हैं। एनिमलिया में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इंजेशन होता है, ये अपने खाने को चबाते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को इन फाइव किंगडम्स में रखा गया है। अब देखिए हम यदि एक किंगडम के स्टडी करते हैं, एक ग्रुप की स्टडी करते हैं, तो इसमें इंक्लूडेड जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगा। यदि कोई अगर आपको कह दिया जाए कि कोई इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं आपको,
यीस्ट, यीस्ट एक एक्सेप्शन है इसका, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि आपको बताएं तो दूसरा एग्जाम्पल है एगेरिकस, जो आप मशरूम खाते हो। आपसे यदि कोई कह दे कि अगेरिकस को कौन से किंगडम में रखा गया है, तो आप सबसे पहले देखेंगे अगेरिकस में कौन सा सेल पाया जा रहा है। यदि उस आप देखेंगे कि उसमें यूकैरियोटिक सेल पाया जा रहा है, फिर आप देखेंगे मोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर पाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे ऑटोट्रॉफिक होते हैं या हेटरोट्रॉफिक होते हैं, तो मैं आपको बता दूं सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे अगर यदि हम आपको कोई क्वेश्चन दे दें, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक सेल है, तो आप उसे किस किंगडम में रखेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे यूनिसेलुलर से कोई मतलब ही नहीं है, प्रोकैरियोटिक जहां लिख किया कि प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसे हम भेज देते हैं मोनेरा में। फिर दूसरा क्वेश्चन हम आपको दें कि मल्टी सेलुलर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक है और यूकैरियोटिक है, तो आप उसे कहाँ रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मल्टी सेलुलर है, सबसे पहले देखेंगे सेल कौन सा, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, लेकिन ऑटोट्रॉफिक, तो ऑटोट्रॉफिक ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, कहाँ पे है, प्लांटी में, तो इसे हम रख देंगे सीधे प्लांटी में। इस तरीके से आप स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप बहुत इजीली तरीके से कर ले जाएंगे। इस पे प्रैक्टिस, आपको सिर्फ इस चार्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मैं आपसे फिर से कहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोस फिर से मैं आपको दे सकूं। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको वीडियो अपलोड करके आप तक पहुंचाऊंगा जितनी भी इंफॉर्मेशन है, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।